नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वशीकरण के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा उपाय जिससे आप अपने किसी भी पुराने प्रेमी को या फिर पुरानी प्रेमिका को अपने वश में कर पाएंगे। जी हाँ, वो भी मात्र कुछ ही मिनटों में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ ही मिनटों में ये उपाय काम करता है, क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल करते हैं अंडों का। अंडों के इस्तेमाल से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं कुछ मिनटों के अंदर ही। ये बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है दोस्तों। ये इसे प्रचंड वशीकरण कहा जाता है, जिससे आप अपने वश में किसी को भी कर सकते हैं। तो इसे करने का तरीका क्या है दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है आइए आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको 7 अंडे लेने हैं और आपको लेना है कपूर। जी हाँ, आपको 7 अंडों के ऊपर मंत्र उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण करने के बाद आपको ये अंडे कब्रिस्तान में ले जाकर गड्ढा खोद कर वहां पर दबा देने हैं। इन मंत्र के उच्चारण से पहले आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। तो आपको इस अंडे के ऊपर, अंडा जो इसकी जो सतह होती है, इसके ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। वो व्यक्ति आपका पुराना प्रेमी हो, आपकी पुरानी प्रेमिका हो, आपका बॉस हो, आपका कोई दुश्मन हो, तो भी आप उसको अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय का यही फायदा है कि ये तुरंत काम करता है, और इसकी वजह से जो भी व्यक्ति, जिसका भी नाम अंडे पर लिखेंगे आप, वो आपका हमेशा के लिए कायल हो जाता है, यानी कि आपके प्यार में पड़ जाता है। अगर आप इसे किसी दुश्मन के ऊपर करते हैं तो वो दुश्मन हमेशा के लिए आपका दोस्त बन जाएगा, और आपकी जिंदगी में जो समस्याएं खड़ी कर रहा है, जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति अगर समस्याएं खड़ी कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी आपका प्रेमी बन जाता है। प्रेमी बनने का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे शादी करने लग जाएगा या फिर उसे आपसे, आपके साथ रहने की इच्छा हो जाएगी। अगर आप किसी दुश्मन का नाम लिखते हैं तो वो हमेशा के लिए आपका दोस्त बन जाएगा। अगर आप अपने पुराने प्रेमी का नाम लिखते हैं तो वो आपसे प्यार करने लग जाएगा। अगर आप अपने बॉस का नाम लिखते हैं तो उसके मन में आपके लिए अच्छे विचार आ जाएंगे। आप उससे जो भी मांगेंगे, जो भी आप मदद मांगेंगे या फिर अपना काम करवाना चाहेंगे, वो आसानी से हंसते हंसते आपका काम करने को तैयार होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अंडे की मदद से इस उपाय को कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ इसे करने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको 7 अंडे लेने हैं और आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं, और उसके बाद दोस्तों आपको इस अंडे के ऊपर लिखना है उस व्यक्ति का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद आपको एक दिया जला लेना है और आपको कपूर जलाकर इस अंडे के सामने इस तरह से रख देना है, यानी कि अपने सामने आपको कपूर जलाकर रख लेना है। उसके बाद दोस्तों, जब तक कि वो कपूर जलता है तब तक आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, और उसके बाद सिंदूर लेकर आपको अंडों के ऊपर लगा देना है। जी हाँ, सिंदूर लेना है आपको और अंडों के ऊपर लगा देना है। उसके बाद दोस्तों, सारे अंडे आपको किसी पेपर बैग में या किसी कागज में लपेट लेने हैं, जिससे कि वो दिखाई ना दे कि उसमें आपने अंडे रखे हुए हैं, और इन अंडों को ले जाना है आपको कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में जाकर आपको 1 फुट का गड्ढा खोदना है और वहां पर अंडों को दफन कर देना है। जी हाँ, पीछे पलट कर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। एक बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, कि आप जिस जगह पर अंडे दफन कर रहे होंगे वहां पर गंदगी ना हो, साफ सुथरी जगह पर आपको ये कार्य करना है। लौट कर आपको घर वापस आ जाना है। जब आप घर आएंगे तभी आपके पास उस व्यक्ति का कॉल आएगा जिस व्यक्ति के नाम से आपने ये वशीकरण किया होगा, और दोस्तों वो व्यक्ति आपके प्यार में पड़ जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा, हमेशा के लिए आपकी बात मानेगा।
इतना प्रचंड वशीकरण आज हमने आपको बताया है। लेकिन दोस्तों, ये वशीकरण उस मंत्र के साथ काम करता है जो मंत्र जानने के लिए आपको हमें कॉल करना होगा। तो दोस्तों, हमारे नंबर पे कॉल लगाइए, हम आपको बताते हैं वशीकरण मंत्र जिसकी सहायता से आप इसे कर पाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।